मीनाक्षी नटराजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने दिए अपने बयान पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। आपको बता दें, आज मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करते करते दिग्विजय सिंह कुछ आपत्तिजनक बात बोल गए थे, लेकिन अब उन्होंने सफाई देकर कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। सफाई दी है दिग्विजय सिंह ने। आर यू रेडी? शुड आई रोल? इन हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन इज ओवर। Where's the mic? Down, lock it down. And the time to take a decision has come. And we shall let you know the decision taken. Thank you. Sir, आपके बयान में, सर आपके बयान पे हंगामा हो रहा है, इसमें ये कहा गया कि आपने मीनाक्षी, मैंने उस बयान को देखा। मैं उस चैनल पे जो उस चैनल ने दिखा रहे हैं उनको सब मानहानि का मैं नोटिस देने वाला हूँ। मैंने मीनाक्षी नटराजन जी की तारीफ की है कि 100 टन सोने का माल है। माल का अगर आपका दिमाग में, अगर आपका माल का मतलब आपके दिमाग में फितरत है, तो मैं आपके इस फितरत के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। सर वन मोर क्वेश्चन, सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट? सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे बयान का जो भी चैनल इससे दिखा रहे हैं वो गलत मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि कल मंदसौर की सभा में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक। थोड़ी सी बात फर्क हो जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुड़बाजी में नहीं पड़ती, सबको साथ लेकर चलती है। और दिल्ली में भी इसने बड़ा अपने छाप छोड़ दी है, लोकसभा के अंदर भी और पार्टी में भी। सोनिया जी और राहुल जी इनको बहुत मानते हैं।